Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. How are you? I hope you all will be fine and taking care of yourselves. Students, today we are going to start a new chapter, a very new topic, that is debtor minor. Okay? We were studying clause, but as clause is not included in this syllabus, so we have decided that we will start a new chapter, a whole new topic, that is debtor minor, because debtor minor is included in your syllabus, alright? So let's try to know about this very new topic, okay? बच्चों आज हम लोग debtor minor start करने वाले हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो first term है उसमें आपका debtor minor ही आने वाला है, जो clause पढ़ रहे थे, but clause को आपके syllabus से ही हटा दिया गया है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम कभी आगे जब टाइम मिलेगा तो उसको स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप अभी वो पढ़ें जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। हम उन पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं जो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अच्छा हम स्टार्ट करेंगे डेटर माइनर को। देखिए डेटर माइनर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट समथिंग वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। कुछ भी शुरू करने से पहले हमें ये जरूर मालूम कर लेना चाहिए कि टाइटल की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए डेटर माइनर की बात करें बच्चों, तो डेटर माइनर मतलब होता है, सबसे पहले देखिए डेटर माइनर जो बना हुआ है उसका रूट वर्ड है डिटरमाइन, ठीक है। डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है कोई चीज निश्चित कर देना, यानी कि अश्योर कर देना या फिर सुनिश्चित कर देना या फिर तय कर देना, ठीक है। अगर आप कोई चीज डिटरमाइन कर लेते हैं तो आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आपको ऐसा करना है, या फिर आप सुनिश्चित कर देते हैं उस चीज को, ठीक है। तो ऐसे ही डेटर माइनर मतलब होता है उस चीज को सुनिश्चित करने वाला, यानी कि उसको एक जगह पे श्योर कर देने वाला, उसके प्लेस को सुनिश्चित कर देने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं डेटर माइनर। देखो बच्चों डेटर माइनर जो होते हैं इंग्लिश में वो हमको फाइव टाइप के पढ़ने हैं, वैसे बहुत टाइप के होते हैं, बट आपके सिलेबस में फाइव टाइप के डेटर माइनर इंक्लूडेड है और ये डेटर माइनर आप सब पहले भी पढ़ चुके ही हैं, ठीक है। लेकिन चलिए हम समझ लेते हैं एक एक करके कि डेटर माइनर क्या होते हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम डेटर माइनर की बात करें तो हमारा सबसे पहला डेटर माइनर होता है वो होता है आर्टिकल, ठीक है। सबसे पहला जो डेटर माइनर होता है बच्चों वो होता है आर्टिकल। अभी मैं आपको सेंटेंस देकर समझा दूंगा कि डेटर माइनर क्या है, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है डेटर माइनर में, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें मैं आपको आज आइडिया दूंगा, बिकॉज टुडेस वीडियो विल बी इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट डेटर माइनर, राइट, ठीक है। डेटर माइनर का आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें मैं आपको पूरा का होल इंट्रोडक्शन समझाऊंगा आपको डेटर माइनर के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको आर्टिकल पढ़ना होगा जिसमें हमको ये जानना होगा कि यहाँ पे ए एल और दा के बारे में आने वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, चाहे तो गैप फिलिंग में हो या एडिटिंग में हो या फिर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हो, कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे ये चीजें हम समझेंगे। उसके बाद नंबर टू पे आता है बच्चों पजेसिव, ठीक है। क्या आता है पजेसिव? अब देखिए पजेसिव जो होता है वो तीन तरह का होता है, पजेसिव नाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। बट आपकी बुक में जो पजेसिव ऐड किया गया है डेटर माइनर में वो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, माय, ठीक है, आवर, योर, देयर, हिज, हर एटसेट्रा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एटसेट्रा। उसके बाद नंबर तीन पे आता है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव आता है जो नंबर तीन पे होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है ये भी आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता है डेमोन्स्ट्रेटिव में भी आपने प्रोनाउन में पढ़ा है, एडजेक्टिव में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही तरह से पूछा जाता है और दोनों ही में सेम होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वहाँ पे प्लेस जो उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो चेंज होती है, बस बाकी जो वर्ड है टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव की वो तो सेम ही रहेगी। वो कौन कौन से होता है, चार, दिस दैट दिस दोस, ठीक है, वो चार आपके डिटरमाइनर है, this, that, these, the fourth one is those, alright, okay, next one is numerals or cardinals, numerals or cardinals, cardinals, now what I mean by this, ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों ऐसे words जो हमको न्यूमरल्स यानी क्वांटिटी या नंबर डिनोट ये दिखाते हैं, शो करा देते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, तो उनको बोलते हैं न्यूमरल्स या कॉर्डिनल्स।
अब बच्चों ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड होंगे जिनको देखते ही ये मालूम चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक नंबर या क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं, चलिए देख लेते हैं एक पल के लिए हम लोग इनको भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे मैनी हो गया, ठीक है, मैनी हो गया, मच है, सम है, फ्यू एंड मैनी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। द फोर्थ लास्ट वन इज, ठीक है, लास्ट वन इज आपको जो बनेगा वो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। बच्चों इनडेफिनिट प्रोनाउन में सम, एनी, ठीक है, एवरी एक्सेट्रा, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपके डिटरमाइनर हैं बच्चों, ये तो हो गए जिनको हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में डिटरमाइनर में इंक्लूडेड है, आप इनको पढ़ चुके हैं क्लास 11th तक। ठीक है, अब ये होते क्या हैं एक्चुअली, यानी कि इनका क्या कनेक्शन है हमारे सेंटेंस में और क्यों इनको डिटरमाइनर ही कहा गया, चलिए ये समझ लेते हैं। यानी डिटरमाइनर की एक्चुअल जो हमारी आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो होती है या जो डिटरमाइनर जो होता है उसका आपका डिफिनेशन क्या है वो चलिए समझ लेते हैं। देखिए बच्चों सेंटेंस मैं एक राइट करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं सेंटेंस राइट करता हूँ, आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैं लिखता हूँ, ठीक है, आई हैव माई कार, ठीक है, फिर लिखता हूँ आई हैव दैट का। यहाँ पे देखिए बच्चों तीन तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं हमने, और उसमें तीन तरह के अलग अलग डिटरमाइनर दिए हैं। पहले वाले में मैंने आर्टिकल को चूज किया है, सेकंड वाले में मैंने पजेसिव एडजेक्टिव को चूज किया है, जबकि थर्ड वाले में मैंने क्या किया है यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव को चूज किया है। ठीक है, अब बच्चों ऐसे में ये तीनों का काम क्या है वो समझिए, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि डिटरमाइनर का काम क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही आप यहाँ पे ए देखते हैं, आई हैव अ कार, तो आप ये देखते हैं, माय देखते हैं, दैट देखते हैं, तो ये सारे क्या दिखाते हैं, ये सारे दिखाते हैं कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है। ठीक है, यानी ये नाउन को, स्पेसिफिक नाउन को कहीं ना कहीं ये डिनोट कर दे रहे हैं, यानी कि उनको जो है डिटरमाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए इस तरह लिखता आई हैव कार, ठीक है, आई हैव कार, अगर आप ये लिखते तो आप यहाँ पे इस कार के बारे में कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले को नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आई हैव कार, मेरे पास कार है, आपके पास कौन सी कार है, कैसी कार है, एक कार है, दो कार है, नहीं बता पाते। लेकिन आपने इस नाउन को ज्यादा डिटरमाइन कर दिया, यानी चक्स कर दिया, कैसे, आपने कोई आर्टिकल लगा के, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या एक कोई भी कार है। ठीक है, आपने जैसे ही ए लगाया तो उस नाउन के बारे में डिटरमिनेशन आपने बता दी। ठीक है, उसको डिटरमाइन कर दिया कि हाँ मेरे पास एक कार है, कोई कार है। ठीक है, तो वो डिटरमाइन हो गया, वो नाउन जो है ना डिटरमाइन हो गया। आपको ए लगाने से ये मालूम चल जाता है कि अगले बार नाउन आने वाला है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज जो डिटरमाइन आप कर दे रहे हैं, तो यहाँ से ये चीजें क्या हो जाएंगी, सामने वाले को समझ में आ जाती है कि आप एक्चुअली उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जैसे आई हैव माई कार, देखिए कार यहाँ पे है ना, अभी कार नाउन है, अब इसको डिटरमाइन कर दिया गया माई द्वारा। ठीक है, ये मेरी कार है, यानी कार को बता दिया गया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई, डिटरमाइन कर दिया गया उसको कि हाँ ये मेरी है। ठीक है, अब यहाँ पे सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डैट ने भी क्या किया, कार के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ ये वो वाली कार। ठीक है, यानी कि उस नाउन के बारे में भी, उस नाउन को भी डिटरमाइन कर दिया गया इस सेंटेंस में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों नाउन को डिटरमाइन कर दिया गया है इस वर्ड्स के द्वारा। अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं होते तो आई हैव कार लिखा होता, which does not make any senses at all. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इन्होंने डिटरमाइनर का यूज किया, और हम डिटरमाइनर का यूज अपनी लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस में इसीलिए करते हैं जस्ट टू डिटरमाइन द नाउन। ओके, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम कहीं ना कहीं डिटरमाइनर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिटरमाइनर समझ में आ गया। अब बच्चों हम डिटरमाइनर में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा आर्टिकल। हालांकि आर्टिकल आपका सेक्शन 2 में है यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन 2 में है डिटरमाइनर एंड आर्टिकल में, जो आपका आर्टिकल है वो सेक्शन 2 में है, बट सबसे पहले हम आर्टिकल को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल के बारे में ही चीजों को जानेंगे, और आर्टिकल एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक टॉपिक है। अगर आप एक्सरसाइजेस को उठा के देखते हैं, पिछले जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में कि आपको आर्टिकल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन
पूछे गए हैं, ठीक है। खासकर एडिटिंग या व्याकरण में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। सो इट बिकम्स नेसेसरी, इट बिकम्स मैंडेटरी दैट यू हैव टू स्टडी आर्टिकल वेरी प्रॉपर वे। ऑलराइट, चलिए तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल को जानेंगे एक एक करके। हालांकि आप आर्टिकल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, बट लेट्स नो मोर अबाउट आर्टिकल सो दैट यू डोंट फेस एनी फर्दर प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, व्हाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों चलिए पहला टॉपिक आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आर्टिकल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पढ़ते हुए चले आए हैं क्लास सिक्स से, ठीक है सर, उससे पहले भी आर्टिकल आप यूकेजी से ही पढ़ते चले गए, ठीक है। बट आर्टिकल को जो समझाने का जो तरीका रहा है वो बिल्कुल छोटा, यानी आपने जो छोटे क्लास में पढ़े हैं, जूनियर क्लास में पढ़े, आपने एक बार उनको क्या समझा, आपने उनको साउंड ये समझा कि हाँ अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये लगा देंगे, वोवल साउंड है तो ये लगा देंगे, बट आपने उनको एक्चुअल मीनिंग समझी नहीं कि आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं। तो आर्टिकल का यूज करते हैं नाउन को डिटरमाइन कर देने के लिए, यानी नाउन को स्पेसिफिकली उसको डिनोट करने के लिए कि हाँ हम नाउन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो नाउन कैसा है, किस तरह का है, ठीक है, यानी उसको फिक्स करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए, आर्टिकल का काम होता है नाउन को डिटरमाइन करना, ठीक है। नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। ऑलराइट, आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, ये नाउन का ही एक पार्ट होता है एक्चुअली। ऑलराइट, चलिए बच्चों शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स आर टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, द सेकंड वन इज डेफिनिट। पहला होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में दो तरह के आर्टिकल्स आते हैं, फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज एन। जबकि डेफिनेट में केवल एक तरह का होता है और वो है आपका द, ठीक है। यहाँ पे आपको बच्चों ए एन और द, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, ए एन है और डेफिनेट आर्टिकल द है। ये क्यों होता है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं ए और एन की, तो ए और एन जो होता है वो वीकेंड फॉर्म ऑफ वन होता है, ठीक है। वीकेंड फॉर्म ऑफ वन का मतलब यानी जो इसका जो न्यूमरल्स है एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख के समझा देता हूँ आपको, आई हैव वन वन कार, ठीक है। आई हैव वन कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन आप यहाँ पे वन ना लिख के आप यहाँ पे आ ही लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, मेरे पास एक कार है। ये वीकेंड थोड़ा कमजोर फॉर्म होता है वन का, एक कहने का, मेरे पास एक कार है, एग्जैक्ट एक नहीं होती मीनिंग, लेकिन हाँ आप ए लगा देंगे या आ लगा देंगे तो आपको ये मतलब निकल के आ जाएगा कि हाँ आपके पास एक कार है, ठीक है। तो ये वीकेंड फॉर्म ऑफ वन होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आई हैव अ कार की जगह आई हैव द कार लिख देता हूँ, ठीक है, आई हैव द कार, तो इसका ये मतलब नहीं कि सेंटेंस गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस सही है। बट डिफरेंस क्या होता है, अब यहाँ से आप समझ पाएंगे कि इनडेफिनिट और डेफिनेट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए आपने लगाया आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, अब वहां पे कोई भी एक कार की बात कर रहा है, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, उस कार के बारे में कोई ऐसी खास बात नहीं बताई गई, ठीक है। आई हैव अ, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, गिव मी अ बॉल, ठीक है, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, ठीक है। अब यहाँ पे आ पेन का मतलब क्या है, मुझे कोई भी एक पेन दे दो, कोई भी एक पेन दे दो, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफिनेट नहीं है, कोई निश्चित बात नहीं कि मुझे वही वाला पेन दीजिए, ठीक है, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं, वही पेन दीजिए, बस एक पेन दे दीजिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये डिटरमाइन क्या हो कि एक पेन दीजिए मुझे, कोई भी एक पेन मुझे दे दो, ठीक है, कोई भी, यानी कोई खास स्पेसिफिक पेन नहीं चाहिए, कोई भी दे दो। बट अगर मैं यहाँ पे दा लगा देता हूँ, गिव मी द पेन, तो दा से क्या मालूम चल जाता है कि गिव मी द पेन, मुझे वही पेन दो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वही खास पेन मुझे चाहिए, वही स्पेसिफिक पेन मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, दा क्या करता है, डिफिनिट आर्टिकल है, यानी कि यहाँ पे फिक्स कर देता है, डिफाइन कर देता है कि मुझे उसी खास पेन को चाहिए, ठीक है, जिस पेन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ए एन से क्या हुआ,
इनडेफिनेट था, यानी कि यहाँ पे क्लियर नहीं था, डिफाइन नहीं किया था कि मुझे वही वाला पेन चाहिए, जबकि यहाँ पे दा लगने से क्या हो गया, उसी खास पेन की बात की गई बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई कि डिफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फर्क होता है। ए एंड इनडेफिनेट यानी किसी खास या स्पेसिफिक या किसी भी इंडिविजुअल चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि दा क्या होता है, वो स्पेसिफिक किसी खास पार्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है। तो आई होप समझ पाए होंगे, इसीलिए दा को डिफिनेट कहते हैं और जबकि इनडेफिनेट में ए और एन आ रहा होता है। बच्चों चलिए हम लोग सबसे पहले आज इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और इनडिफिनेट में भी हम लोग आर्टिकल ए के बारे में यानी आ के बारे में समझेंगे और जानेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, कैसे कैसे इसका यूज हम कर सकते हैं और हमें यूज कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे आ की। बच्चों देखो आ जो होता है, सबसे पहले मैं बता दूं ये किसी भी खास चीज के लिए यूज में नहीं लाया जाएगा, ठीक है, किसी पार्टिकुलर या इंडिविजुअल या स्पेसिफिक चीज के बारे में ये बात नहीं करेगा। तो आप भूल जाइए, हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहला केस क्या होगा, जब भी कोई चीज, कोई ऐसा नाउन या कोई ऐसी एडजेक्टिव जो स्पेसिफिक नहीं है, जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हमको स्पेसिफिकेशन नहीं देनी है, तो वो क्या होगी, वहां पे एन लगाएंगे। लेकिन बस पहली कंडीशन ये है कि उसका साउंड जो होना चाहिए, ठीक है ना, साउंड जो होना चाहिए वो, ठीक है, साउंड द वर्ड्स हैविंग साउंड ऑफ consonant का sound होना चाहिए और specific noun के बारे में बात नहीं कर रहे हो हम, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वहां पे आ लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे कि आप तो ये जानते हैं, आप मैंगो और ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे कॉन्सोनेंट है, बट कभी कभी जहाँ से मेजर चीजें वो आती है वो निकल के, वो ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे साउंड हमको क्या होता है कि हमको वहाँ पे मालूम चलेगा कि वो वहाँ पे वो क्या है, वॉवल है, और हम एन लगाने की कोशिश करेंगे बट वहाँ पे ए लगेगा चुकी, क्योंकि तो साउंड जो है ना वो वहाँ पे कॉन्सोनेंट का आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, अब यहाँ पे यूरोपियन में क्या होता है, अच्छा हम एन नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमको ए लगाना होगा। क्या रीजन है, यहाँ पे आप देखिए साउंड जो है ना वो या का आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे ए लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे एग्जाम में आपको देखे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड ज्यादा है भी नहीं, एक यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको ए लगाना है ना कि एन, क्योंकि यहाँ पे या का साउंड है और या जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे ए लगा रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए ये तो पहला जो केस था आप समझ चुके होंगे, इसके अलावा भी कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं थोड़े बहुत, तो आप साउंड को जरूर ध्यान में रखिएगा कि साउंड क्या निकल रहा है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग आप पूछ करेंगे आर्टिकल ए का, कॉन्सोनेंट का साउंड आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या आती है आ लगाने के लिए, चलिए तो सेकंड कंडीशन आ लगाने के लिए क्या आएगी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों न्यूमरल सेंस मीनिंग में आएगा, ठीक है, न्यूमरल सेंस मीनिंग, दूसरे क्या होगा, न्यूमरल सेंस मीनिंग, यानी कि जब आपका एक एक वाला सेंस आए, ठीक है, जैसे आई हैव अ कार, मैंने आपको बताया था गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दीजिए, कोई भी एक पेन दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हम दूसरा कैच अ बर्ड, कोई भी एक बर्ड पकड़ो, ठीक है, एक बर्ड पकड़ो, कोई भी पकड़ो, यहाँ पे न्यूमरल यानी कि यहाँ पे एक वाला जो बात आ रही है वो आ रही है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका न्यूमरल्स के फॉर्म में यूज होता है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे बात करेंगे तो दूसरा होता है किसी क्लास को रिलेट करता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होगा आपको, यहाँ पे देखिए
आटंकी, ठीक है, आटंकी एस 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 क्लैबर क्लैबर दैन 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 एन ऑक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आटंकी का यूज किया गया है यहाँ पे, तो डंकी की क्लास को दिखाया गया, यानी एक खास स्पेसिफिक स्पीसीज को दिखाया गया, ठीक है, तो वहां पे आ लगाया गया क्योंकि तो कोई भी एक डंकी के बारे में बात कर दी गई है, ठीक है, तो ये आपका क्लास को डिनोट कर रहा होता है यहाँ पे। बच्चों आगे पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए बच्चों वैसे बहुत सारे यूज हैं लेकिन मैं इम्पोर्टेंट यूज आपको बता दे रहा हूँ जहाँ पे आपको ज्यादा समझना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला अगला आता है सेंस ऑफ एवरी के सेंस में, ठीक है, अगला है आपका फोर्थ वाला इन सेंस ऑफ एवरी, इन सेंस ऑफ एवरी, यानी एवरी ने लिख के हम ए लिख देते हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है, ही गेट्स गेट्स 5000 ईयर, ठीक है, यानी उसको क्या है, ठीक है, या यहाँ पे मंथली मिले एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कह रहा है कि वो 5000 एक महीने में कमाता है, तो यहाँ पे हर महीने में कमाता है सेम मतलब होता है, ठीक है, ही गेट्स 5000 अ मंथ, ठीक है, वो हर महीने 5000 कमाता है, तो यहाँ पे देखिए आगे जो सेंस निकल रहा है वो एवरी के सेंस में निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। कभी कभी बच्चों क्या होता है जनरलाइज न्यूटन, ठीक है, सॉरी जनरलाइज प्रॉपर नाउन, टू जनरलाइज प्रॉपर नाउन, जनरलाइज किसी प्रॉपर नाउन को बताना हो, ठीक है, किसी भी प्रॉपर नाउन को डिनोट करना हो, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यू यू आर अ कालिदास, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, कालिदास क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे उनको ए लगा दिया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कालिदास बताया गया, तुलना कर दी गई, कंपेयर कर दिया गया आपको कि यार तुम पे कालिदास हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर नाउन को जनरलाइज करने के लिए आपको वो प्रॉपर नाउन बना दिया जाता है, आप है नहीं बट उनसे आपको कंपेयर करके आपको यार तुम तो कालिदास हो, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको वो उनकी उनके साथ अपनी तुलना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी ए लगा के हम कंपेयर कर देते हैं, तो इतनी चीजें हैं जो आपको समझना है बच्चों, इसके अलावा भी और बहुत सारे यूज हैं, इनका यूज हम क्या करेंगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज हमने बताया आपको कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से एक आर्टिकल का पूरा स्टार्टिंग से आपको समझाऊंगा, ठीक है, आर्टिकल के बारे में पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज हर एक यूज हर एक कॉम्बिनेशन समझाने आऊंगा, अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या है, अभी मैंने आपको फाइव यूजेस बताया, ये भी बहुत सारे यूजेस और भी हैं इसके, ठीक है, देयर आर मेनी अदर यूजेस व्हिच यू हैव टू नो, ठीक है, व्हिच यू हैव टू लर्न, व्हिच यू हैव टू मेमोराइज, ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, आप इसको याद करिएगा, ठीक है, उसको लर्न कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल फिर से पढ़ाऊंगा और फिर से स्टार्ट करूंगा आपको एक किसी पॉइंट के साथ, यहीं से आगे से आपको और भी यूजेस बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, यूजेस के साथ साथ ऑमिशन भी पढ़ना है, यानी कहाँ पे नहीं लगाया जाता ये भी आपको पढ़ना होगा। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया डिटर्मिनर क्या होता है, आर्टिकल के जो पॉइंट होता है वो समझ में आ गया क्या होता है बच्चों, ठीक है, फाइव बताए हैं, फाइव एनफ है आज के लिए, इतने पे आप वर्क कीजिएगा, इतने पे आप लोग होमवर्क कीजिएगा, बाकी मैं धीरे धीरे और भी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आर्टिकल्स के बारे में, और इस चैप्टर को इस डिटरमाइनर को हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करके फिर हम इंग्लिश फर्स्ट पढ़ें। सो बच्चों दैट इज इट इन टुडेज़ वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।